हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली चीज़ों पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी अपकमिंग आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा वही सेमेस्टर वन का जो इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का जो पहला चैप्टर है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके आज हम लोग मल्टीपल च्वाइस वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किया था सेम चैप्टर के, आज हम लोग इसी पार्ट के पार्ट टू को करने जा रहे हैं। इसमें मल्टीपल च्वाइस वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोगों ने ये भी लिखा है, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने कंसीडर किया है वो पिछले अगर एग्जाम में आए इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन के एग्जाम में कभी आया है तो वो भी हमने मेंशन करने की कोशिश की है। तो लेट्स बिगिन दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन नंबर है एन एक्सीडेंट इज, एक्सीडेंट क्या होता है? अनप्लान्ड इवेंट, नॉन कंट्रोल इवेंट, अनडिजायरेबल इवेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये ऑल ऑफ द अबव जो चार नंबर है वो वाला आंसर है, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है वो अनप्लान्ड इवेंट होता है, किसी को नहीं पता कब होगा। नॉन कंट्रोल्ड इवेंट होता है, मतलब किसी को भी नहीं पता होगा कि कब होने वाला है। अनडिजायरेबल, ये डिजायरेबल भी इवेंट नहीं होता है। तो ये तीनों के लिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेते हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ठीक है, कॉस्ट ड्यू टू द डैमेज ऑफ मशीन टूल्स मटेरियल और प्रॉपर्टी, कॉस्ट एंड लॉस टाइम एंड इंजर्ड पर्सन, कॉस्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ मेडिकल एड, कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा इसका आंसर, जो कि चार नंबर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीन के ऊपर। द सेफ्टी वे ऑफ वॉकिंग इज, सेफ्टी से काम करने का सेफ वे, काम करने का सेफ वे क्या होता है? सेफ एंड इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वॉकिंग, एंड एंसेंट वे ऑफ वॉकिंग, ए वे ऑफ हैंडलिंग द वॉक इन हरी, ए वे ऑफ नॉर्मल वॉकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला एंड इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वॉकिंग। मतलब जब हम काम करते हैं तो हमारा काम इफेक्टिव भी होना चाहिए और राइट वे भी होना चाहिए, मतलब प्रोडक्टिविटी भी निकलना चाहिए और वो राइट वे भी होना चाहिए काम करने का। तो वही काम करने का सही तरीका है जो कि नंबर वन है। ठीक है दोस्तों, उसमें हरी बी में भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हैंडलिंग भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होते हैं। हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चार के ऊपर। तो जो कि क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, एनी ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय। ठीक है, अगर किसी फ्लोर पे आयल लगा हुआ है तो किससे क्लीन करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन है कॉटन वेस्ट, पुटिंग वाटर, पुटिंग सॉडस्ट, स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड। तो ठीक है, इसमें होगा आपका पुटिंग सॉडस्ट। ठीक है, ये आंसर होगा आपका नंबर तीन वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फायर कॉम्बिनेशन है किसका? फ्यूल लाइट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है, या फ्यूल लाइट एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो फायर है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्यूल, ठीक है, हीट एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, ये मिश्रण होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन केस ऑफ ए आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आइज बाय यूजिंग क्या। ठीक है, जब आर्क वेल्डिंग के केस में जो आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं उसको अपने आंख को प्रोटेक्ट कैसे करना है? डार्क सन ग्लास, डार्क ग्लास स्क्रीन लगाना है, सन गूगल लगाना है, मास्क लगाना है, या क्लियर ग्लासेस लगाना है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर पहला होगा डार्क ग्लास स्क्रीन लगाना है, नहीं तो उसका आंख खराब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर। व्हील ग्राइंडिंग ऑपरेटर मस्ट यूज, जब वो ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसको क्या यूज करना चाहिए? जाहिर सी तो डार्क ग्लास स्क्रीन, मास्क, सेफ्टी गूगल्स और सन गूगल्स। तो सेफ्टी गूगल से यूज करना चाहिए वहां इस केस में ऑपरेटर को, या फिर जो भी चला रहे हैं इस ग्राइंडिंग मशीन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर। ए हैमर विथ लूजली फिटेड हैंडल व्हील फ्लाई अवे एंड काउज एक्सीडेंट, अब्सॉर्ब शॉक, हैव इजी स्विंग, कन्वे मोर लिवरेज। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर अगर उसका हैमर का हैंडल जो मतलब लूज फिटेड है तो वो उड़ेगा बाहर और उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आंसर होगा फ्लाई अवे एंड काउज एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी आपको एग्जाम्स में भी ना दिक्कत हो, और निम्नी से या फिर सिम्नी से जो भी पढ़ें आप तो चीज़ें कवर हो जाए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हैमर आर क्लासिफाइड, ठीक है, हैमर किस बेस पे क्लासिफाइड होते हैं? एज पर दिया होल एंड वेट, एज पर दिया फ्रेम शेप एंड फ्रेम, एंड एज पर दिया हिल शेप एंड वेट, एज पर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इट्स स्टॉक। तो ठीक है, तो ये एज पर देयर फ्रेम शेप एंड वेट के हिसाब से क्लासिफाइड होते हैं। ये आंसर होगा आपका नंबर दूसरा। चलिए हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आप आज के अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है चिजल्स आर मेड ऑफ, ठीक है, चिजल्स किस चीज के बने होते हैं? तो चिजल्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील और टंगस्टन स्टील। तो चीजल जो बनते हैं हाई कार्बन स्टील के बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर पहला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है द लेंथ ऑफ ए फाइल मेजर, एक फाइल का मेजर जो लेंथ होता है वो कहां से होता है? लॉन्ग द टिप टू द शोल्डर, मतलब टिप से शोल्डर के ऊपर होता है, या फिर टिप से हिल के ऊपर होता है, या टिप से टंग के ऊपर होता है, या हिल से टंग के ऊपर होता है। तो ये along the tip to the hill होता है, मतलब जितने दूर उसकी धार होती है probably उतना दूर होता है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग एक टूल्स के ऊपर भी वीडियो लाने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी भी हम लोग इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बताएंगे और उसके टूल्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करेंगे, अभी फिर फ्रिक्वेंटली वीडियो भी डालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द सर्फेस ऑफ ए वर्क पीस विथ हाई एंड लो स्पॉट्स हैज टू बी इक्वलाइज बाय फिलिंग, व्हिच मेथड विल यू यूज, ठीक है। एक वर्कपीस में एक साइड हाई स्पॉट है, दूसरे साथ लो स्पॉट है, तो उसको किस मेथड से आप करेंगे? यहाँ चार मेथड दिया हुआ है, तो इसमें जो होगा दोस्तों वो स्क्वायर फिटिंग मेथड यूज होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ITI फरवरी 2004 के वायरमैन ट्रेड में भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच टाइप ऑफ ए फाइल यू विल यूज फॉर फिलिंग ए वुडन प्लैंक, ठीक है, वुडन प्लैंक को किस टाइप के फाइल से यूज करेंगे? रफ, रास्प कट, बास्टर्ड, सिंगल कट, तो रास्प कट होगा, ठीक है। और ये ITI फरवरी 2014 में भी पूछा गया था, ITI फरवरी 2015 के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। हैक्सो ब्लेड आर मेड ऑफ, हैक्सो ब्लेड किस चीज के बने होते हैं? माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो ऑब्वियसली दोस्तों हाई स्पीड स्टील से बनते हैं। ये क्वेश्चन ITI फरवरी 2014 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टमेंट टीथ ऑफ ए हैक्सो ब्लेड्स आर कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्लेड, पिच ऑफ द ब्लेड, डेजिग्नेशन ऑफ द ब्लेड, साइज ऑफ द ब्लेड। तो ये पिच ऑफ द ब्लेड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों ITI फरवरी 2015 के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पूछा गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। द क्वेश्चन नंबर है अपना 16 है। व्हाट विल हैपन टू द हैक्सो ब्लेड व्हेन द ब्लेड इज केप्ट ओवर टाइट इन हैक्सो फ्रेम ड्यूरिंग कटिंग, अगर आप कटिंग करने के दौरान हेक्सा फ्रेम के ब्लेड को ज्यादा टाइट ओवर टाइट करें तो क्या होगा? द ब्लेड विल बेंड, द ब्लेड विल रिमेन सेम, द ब्लेड विल बी ब्रोकन और इट विल नॉट कट, मतलब ब्लेड बेंड होगा ऐसा ही रहेगा, टूट जाएगा या काटेगा नहीं, तो ब्लेड विल बी ब्रोकन मतलब ब्लेड टूट जाएगा। ITI फरवरी 2014 के वायरमैन के ट्रेड से पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। द साइज ऑफ ए टीथ ऑफ ए हेक्सा ब्लेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स पिच, हाउ इज द पिच स्पेसिफाइड, ठीक है। तो जो टीथ होता है हेक्सा ब्लेड का वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इसके पिच से, मतलब कितने अंतर पे उसका, मतलब उसकी जो टीथ होती है तो पिच से रिलेटेड होता है। तो फॉर ए होल लेंथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड, पर लेंथ ऑफ 100 mm, पर लेंथ ऑफ 25 और पर लेंथ ऑफ 10 mm, ठीक है। तो ये होता है पर लेंथ ऑफ 25 mm पिच लेंथ, ठीक है, मतलब एक इंच में इतना पिच है तो उसके हिसाब से हम लोग पिच लेंथ मेजर करते हैं। ये भी दोस्तों ITI जनवरी 2013 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, विच पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड इज सुटेबल टू कट द शीट मेटल, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों 32 TPI, जो कि ITI अगस्त 2014 में भी पूछा गया था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, वायर गेज इज यूज टू मेजर, एक वायर गेज क्या यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? लेंथ ऑफ ए वायर, एरिया ऑफ ए वायर, डायमीटर ऑफ ए वायर, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर ऑफ वायर। तो ऑब्वियसली बात है डायमीटर ऑफ ए वायर। लेट्स आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल ऑफ द हैक्सो ब्लेड फॉर कटिंग ए हेवी गेज पिच पाइप, ठीक है। जो भारी हेवी गेज पिच पाइप होती है उसको सुटेबल करने के लिए कौन सा हैक्सो ब्लेड
सुटेबल होगा 1.8, 1.4 mm, 10, 0.8, तो 1.0 वाला सुटेबल होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। नेम ऑफ द टूल विच यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। ऐसा कौन सा टूल है जिसको वायर का हुक और लूप बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं? फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर एंड लॉन्ग नोज प्लायर। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। ये आईटीआई फरवरी 2015 के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। द फ्लैट नोज प्लायर आर अवेलेबल द फॉलोइंग साइजेस आर। फ्लैट नोज प्लायर होते हैं उसके साइजेस क्रमता किस साइजेस में होते हैं? 100 एमएम, 150 एमएम, 200 एमएम होते हैं या 150, 250, 300 होते हैं या 100, 100, 100 के होते हैं या 150, 200, 200 के होते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये 100, 150 और 200 के रेंज में होते हैं जो कि आंसर नंबर वन है। ये आईटीआई फरवरी 2015 के वायरमैन ट्रेड में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए फ्लैट नोज प्लायर। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर यूज करने का पर्पस क्या होता है? होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, होल्डिंग फ्लैट थिन प्लेट्स, मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, होल्डिंग कटिंग एंड ट्विस्टिंग एंड पुलिंग। तो ये होल्डिंग फ्लैट थिन प्लेट को होल्ड करने के लिए हम लोग फ्लैट नोज प्लायर का यूज करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आईटीआई फरवरी 2014 वायरमैन ट्रेड में भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है? 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.001 mm पर 10 mm लेंथ, 0.010 mm पर 10 mm लेंथ और 0.020 mm पर 10 mm लेंथ। तो इसका होता आंसर होगा सर दोस्तों कि 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। विच टाइप ऑफ स्पैनर यूज टू टाइट द नट्स इन ए प्लेसेस वेयर द प्लेसेस इज रिस्ट्रिक्टेड, हाई लीवरेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिंग स्पैनर, सॉकेट बॉक्स स्पैनर, डबल इनेट स्पैनर और एडजस्टेबल। यहाँ होगा रिंग टाइप स्पैनर, क्योंकि हाई लीवरेज चाहिए आपको तो ओपन इनेट स्पैनर से आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आईटीआई फरवरी 2015 के वायरमैन ट्रेड में भी पूछा गया था। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज फॉर लूजिंग और टाइटनिंग ऑफ नट बोल्ट्स व्हिच इज लोकेटेड इन नैरो स्पेस और डेप्थ। तो जब नैरो स्पेस में कुछ नट या बोल्ट हो जो कि बहुत ही अंदर हो, डेप्थ में हो, तो उसको यूज करने के लिए हम कौन सा स्पैनर यूज करते हैं? डबल इंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, सॉकेट बॉक्स स्पैनर और सिंगल इंड एडजस्टेबल स्पैनर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस केस में हम लोग सिंगल इंड एडजस्टेबल स्पैनर, नहीं सॉरी, सॉकेट बॉक्स स्पैनर यूज करते हैं ताकि हम लोग उसके हेड को अंदर उसके घुस जाए, उसको सॉकेट के हिसाब से ऊपर से रिंच लगा के हम लोग टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों आईटीआई 2014 के वायरमैन ट्रेड में पूछा गया था। तो दैट्स ऑल दोस्तों, हम लोगों ने कम से कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने का सोचा है। तो आगे भी हम लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे और अभी रेगुलरली वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे सिंस बिगनिंग। अभी हम लोग सेमेस्टर वन को कवर कर रहे हैं, तो सेमेस्टर वन के लिए हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, उसका थ्योरी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका ओपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई है वो कवर करके हर एक चैप्टर वाइज हम लोग बनाएंगे। बाकी और भी टूल्स और अदर वीडियो भी आती रहेंगी। तो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए गुड डे।